एक लंबी कंट्रोवर्सी के बाद आखिरकार ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर आ गया है। OMG 2 का ट्रेलर ज़बरदस्त है और इसमें खास बात यह है कि अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि गंगा कहाँ से बहती है यह मुझे मत बताना। और आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रेलर में छटनी की गई है, छटनी कुछ सीन्स की गई है और कुछ डायलॉग्स की गई है, कुछ डायलॉग बदल दिए गए हैं। और पिछले टीजर में जो एक सीन नज़र आ रहा था जिसमें अक्षय कुमार शावर लेते हुए नजर आए थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उस सीन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जहां पंकज त्रिपाठी नजर आ रहे हैं बेबाक अंदाज में, वहीं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं यहां पर यामी गौतम। ट्रेलर की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में बैठे भगवान शिव से, जो अपने नंदी से बतियाते नजर आते हैं और कहते हैं कि उनका भक्त संकट में है। भक्त दरअसल पंकज त्रिपाठी हैं, जो कि साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेटे का एडमिशन जिस प्राइवेट स्कूल में करवाया है उस प्राइवेट स्कूल में कुछ गलत हरकतें करता हुआ बेटा पाया जाता है। बस इसी दौरान शुरू हो जाती है फिल्म की कहानी, और कहानी में एंट्री होती है अक्षय कुमार की, जिन्हें शिव का अवतार बताया गया है। यहाँ पर हैरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं अपने बेटे को ही कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं पंकज त्रिपाठी। जहाँ पहले कयास लगाए जा रहे थे कि हिंदू धर्म की अनास्था पर ये फिल्म बनी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेलर से ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर सनातन की आस्था का प्रतिबिंब बनने जा रही है OMG 2। किरदार, कहानी और पटकथा पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन होती हुई नजर आती है। महादेव का गुणगान और हर हर की गूंज भी नजर आती है, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है उन्हें बिल्कुल सफाई से ट्रेलर से हटा दिया गया है। अक्षय कुमार की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि अक्षय कुमार ने कंट्रोवर्सी का नामो निशान तक ट्रेलर में नजर नहीं आने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक चीज हुई है कि ट्रेलर फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। OMG के ट्रेलर में ये कहना गलत ना होगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की मरम्मत तो अक्षय कुमार ने कर ली है, लेकिन इसी बीच ट्रेलर की अगर बात की जाए तो जो धुआंधार ट्रेलर सामने आने वाला था वो अपेक्षाकृत काफी ज्यादा कम है। अब देखना ये होगा कि क्या इस ट्रेलर को देखकर वही धूम मचा पाएंगे अक्षय कुमार जो वो सोच रहे थे। हाल फिलहाल आपको बता दें कि अगर टीजर की बात की जाए तो टीजर से ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था, ट्रेलर में उतना बड़ा धमाका नजर नहीं आ रहा है। ट्रेलर को देखें तो नॉर्मल सी कहानी नजर आती है कि एक शिव भक्त जो भगवान भोलेनाथ का आराध्य है वो काफी ज्यादा संकट में है और अपने भगवान को याद करता है और भगवान उसकी मदद करते हैं। वहीं भगवान अपने एक स्वरूप को भी भेज देते हैं जो कि अक्षय कुमार के रूप में नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार का जो रोल है वो नॉर्मल सा कर दिया गया है। हाल फिलहाल ट्रेलर देखकर आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स को रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अर्पण न्यूज़।